अभी कार की बिटिंग वगैरह चल रही थी तो मैं बिटिंग वगैरह कर रहा था तो मैंने कहा यार आप लोगों को एक, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि फ़र्स्ट टाइम ड्राइवर्स के लिए कि जो फ़र्स्ट टाइम ड्राइवर है जब वो गाड़ी बाय करने लगते हैं तो उनको क्या चीज़ें देखनी चाहिए इसके लिए सबसे पहले नंबर पे मैं आपको ले जाता हूँ ऑटो ड्राइवर पर इस टाइम तो ये पोस्ट कोड मेरा नहीं है मैंने वैसे लगाया जानने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम बायर है उसको जानना है कि वो हमेशा चीप गाड़ी खरीदेगा और उसको वो गाड़ी खरीदनी है जिसकी इंश्योरेंस कम हो और जिसमें मसले कम आने के चांसेज़ हों ठीक हो गया और उसके ऊपर रोटेक्स टैक्स काम हो टैक्स उसको रोड टैक्स भी कम होना चाहिए ठीक है ताकि वो मिनिमम कर सके अपने खर्चों को ताकि वो उसकी इंश्योरेंस जो है उसको भी वो मिनिमम से मिनिमम कर सके ये है हमारे जेन में पर्सपेक्टिव फर्स्ट टाइम बायर के लिए तो अब हम स्टार्ट करने लगे आपने पोस्ट कोड अपना लगाना है उसके बाद आपकी मर्जी आप 20 माइल तक गाड़ी सर्च करना चाह रहे हैं या 30 माइल या 40 नॉर्मली क्या होता है जिसके पास गाड़ी नहीं होती फर्स्ट टाइम बाहर होता है वो अब किसी के साथ जा रहा होता है गाड़ी चेक करने के लिए तो अब वो दूसरा बंदा हो सकता है ज़्यादा दूर ट्रैवल ना कर रहा हो तो इसलिए वो हमेशा आप नॉर्मली बीस माइल तक ही रहेंगे वरना कई लोगों को तो हो सकता है दस माइल तक भी रहना हो लेकिन अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं और कज़न वगैरह कोई कहता है मैं तुम्हें दूर तक भी ले जाऊँगा तो फिर आपकी मर्जी है जितनी मर्जी दूर जाओ ठीक है ये आपकी याशी के ऊपर है लेकिन नॉर्मली मुझे पता है दस से बीस के दरमियान ही आप लोगे तो मैं बीस माइल कर देता हूँ <coughs> मेक कोई सिलेक्ट ना करना अभी ना मॉडल किसी गाड़ी से मोहब्बत नहीं करनी जब आपने फर्स्ट टाइम बायर बनना है तो मोहब्बत नहीं करनी किसी गाड़ी के साथ ठीक है ना तो जिस इसी तरह जैसे यूके में आप जब एंटर होते हैं ठीक है स्टूडेंट आते हैं जिस भी वीज़े पे आते हैं तो सबसे पहले आप इधर की नौकरी से नहीं मोहब्बत करके क्योंकि नौकरी आपको मिलनी ही नहीं ठीक है ना आपने स्ट्रगल करनी है हर जगह स्ट्रगल है मोहब्बत नहीं किसी के साथ दिल नहीं जोड़ना किसी नौकरी से दिल नहीं जोड़ना कि भाई मैंने यही करनी है आपको वो मिलनी नहीं है तो इसलिए इस पर नहीं क्लिक करना आगे चलते हैं क्योंकि सबसे पहले लोग इस पर क्लिक करते हैं अब है ये इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है अपने बजट के हिसाब से लेकिन हम सेफ साइड पर अभी दो हज़ार लिख लेते हैं क्योंकि नॉर्मली जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं वो विद इन टू थ्री थाउजेंड ही था। बाय करते हैं बल्कि टू भी नहीं पंद्रह सौ हज़ार के दरमियान रहते हैं तो मैं फिर भी वैसे ही दो हज़ार कर देता हूँ क्योंकि बेहतर गाड़ियाँ ऐसे ही निकलेंगी इधर तक कर ली उसके बाद आपने मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है अब ये आपके सामने खाता खोल गया अभी भी आपको मैंने बताया था कि मेक और मॉडल सेलेक्ट नहीं करना गाड़ी से मोहब्बत नहीं करनी नीचे चलते हैं ईयर ये इंपॉर्टेंट है ठीक है इस ईयर के ऊपर हम क्लिक करते हैं ये इसको आपने फ्रॉम फ्रॉम के ऊपर सिर्फ क्लिक करना है और इसको आज 2024 है जिसमें ये वीडियो बन रही है तो मैं क्या करूँगा मैं तकरीबन 2010 से ठीक है चौदह साल तक की गाड़ी ठीक है बल्कि आप नौ भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं मिलती तो मैं अभी दो कर देता हूँ ये हो गया ईयर और मैक्सिमम को आपने कोई नहीं सिलेक्ट करना ठीक है हो सकता है ग्यारह बारह तेरह चौदह जितनी भी गाड़ी आ जाए सुबह लाला ऊपर ईयर में जो मर्जी आ जाए गुड है जो सबसे नीचे की तरफ जो ईयर है वो आप एक चौदह साल का या पंद्रह साल का बेशक रख लेना ये आगे हम चेंज कर सकते हैं अगर आपको इस क्राइटेरिया में गाड़ी ना मिले माइलेज ये भी इंपॉर्टेंट है तकरीबन अस्सी हज़ार तक स्टार्टिंग में माइलेज रखें लेकिन कोशिश ये करें गाड़ी साठ पचास तक मिल जाए तो वेल एंड गुड है आपको वैसे इतने में इतनी वाली गाड़ी नहीं मिलेगी बहुत मुश्किल होगी अगर जो मिलेगी उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस है फिर भी मैं एक अस्सी कर रहा हूँ ठीक है एटी कर रहा और फ्रॉम को नहीं आपने सेलेक्ट करना उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम को आपने सेलेक्ट करना है इसमें अस्सी हज़ार कर लेते हैं ठीक है गियर बॉक्स में ये है कि आपकी मर्जी आप ऑटोमेटिक लेना चाह रहे हैं देखो ऑटोमेटिक एक इस क्राइटेरिया में ऑटोमेटिक गाड़ियां महंगी होती हैं तो इस क्राइटेरिया में आपको मैनुअल ही सेवेंटी थ्री मिल रही है तो आपको इसमें ना भी क्लिक करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको मैक्सिमम आनी ही मैनुअल है नीचे चलते हैं बॉडी टाइप के अंदर आप मुझे पता है स्टार्टिंग में हमेशा हर बंदा हैच बैक ही लेगा और आप देखा जाए तो यहाँ पे आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा पड़ी ही हैचबैक है ये देख रहे हो 63 बाकी सारी सबसे ज़्यादा बिकती ही हैचबैक है इसलिए आपको बेशक सेलेक्ट करना है अगर फैमिली नहीं है आपके दो घर बच, के बच्चे हैं आपके यानी आप सिंगल हैं कपल हैं या कपल प्लस टू फैमिली मेम्बर्स हैं तो ये हैचबैक आपको कवर कर जाएगी लेकिन जैसे ही आपके कपल प्लस टू फैमिली मेंबर्स की बजाय प्लस थ्री फैमिली मेंबर्स होंगे तीन बच्चे हो जाएंगे तो फिर आपको एम या उसकी तरफ जाना पड़ेगा एस की तरफ जाएगा ठीक है एस्टेट भी काम दे सकती है लेकिन फिलहाल हैचबैक की तरफ हम तोज्जो देते हैं अभी मैं यही सोच रहा हूँ आप सिंगल हैं ठीक है ठेके? क्योंकि अब जब यंग होता है बंदा जब फर्स्ट टाइम ड्राइवर बनता है नॉर्मली 18 से लेकर 22 साल तक तो वो अकेला ही होता है ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा कपल होगा तो हम इसको हैच बैक ही को लेंगे वैसे सिलिक कर लेता हूँ अगर ना भी आप कर लेते ज़्यादा गाड़ी वही निकलेंगी मैं हैचबैक को सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद नीचे जाते हैं इधर नीचे जाके अब आपके ऊपर है आपने फ्यूल टाइप लेना के लेना है इसी तरह डोर की ऑप्शन आपके पास है थ्री लेना फाइव लेना है स्टार्टिंग में जो थ्री डोर गाड़ियाँ होती है नॉर्मली सस्ती होती हैं ठीक है थेके? थोड़ी सी फाइव से तो क्योंकि अभी इस टाइम आप सिर्फ गाड़ी इस काम की ले रहे हो तो अगर आपकी फैमिली नहीं है अगर आपकी फैमिली है तो फाइव डोर लो ठीक है अगर आप कपल हो तो थ्री डोर लो ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में पाँच डोर लेने का क्या फ़ायदा है जबकि आपने चलाने बंदों ने बैठना ही दो ने तो क्यों ना आप स्टार्टिंग में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाओ ठीक है क्योंकि आपने एक दो तीन साल तक गाड़ी चलानी है उसके बाद अपनी मर्जी जो मर्जी गाड़ी लो ताकि तो आपकी इंश्योरेंस नेक्स्ट टाइम कम आए तो स्टार्टिंग में कम से कम पैसे इधर लगें तो इसीलिए जो सिंगल हैं या कपल हैं वो थ्री डोर के ऊपर जाया करो लेकिन विद फैमिली मेम्बर्स यानी पीछे अगर बच्चे ने बैठना है तो फिर पाँच डोर की तरफ आ जाओ सिंपल हो गया क्राइटेरिया लेकिन मैं अभी इन दोनों को नहीं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि दोनों आ जाए नीचे चलते हैं उसके बाद है इंजन साइज़ इंजन साइज को अभी आपको मेरा ख्याल देखने की जरूरत नहीं है वैसे होता क्या है कहा यह है नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये है जितना इंजन साइज़ कम होता है उतना पेट्रोल की कंजम्पशन कम होती है लेकिन इसमें दूसरे फैक्टर्स भी ऐड हो जाते हैं मसलन सर्विस नहीं हुई गाड़ी की तो पेट्रोल ज़्यादा ही लगेगा चाहे आप वन पॉइंट लीटर हो सकता है ज़्यादा पेट्रोल खा रही हो वन पॉइंट फोर की नस्बत चांसेज हैं ठीक है तो इसलिए नॉर्मली लोग वन और वन पॉइंट टू की तरफ जाते हैं सिर्फ इस वजह से वैसे भी ये सस्ती भी होती है नॉर्मली कॉस्ट इफेक्टिव भी रहती हैं तो लेकिन अभी मैं इसको नहीं सिलेक्ट कर रहा ठीक है नीचे आते हैं अब मैं आपको मेन दो चीज़ों की तरफ लेके आ रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हैं एज़ अ फर्स्ट टाइम ड्राइवर ताकि आप थोड़े से पैसे बचा सकें क्या टैक्स पर यह इसको आपने ज़ीरो पाउंड रखना है रोड टैक्स को या थर्टी फाइव महंगी वाली रोड टैक्स वाली गाड़ियाँ भी स्टार्टिंग में नहीं ख़रीदनी तो मैं हमेशा या तो जीरो रखता हूँ अगर गाड़ियाँ निकलें तो या पैंतीस रखता हूँ अब इस टाइम देखो अप टू थर्टी फाइव पाउंड रोड टैक्स में पच्चीस गाड़ियाँ आ रही हैं सिर्फ ठीक है और जीरो पाउंड रोड टैक्स में सिर्फ सात हैं तो आप मैं ये कर देता हूँ ताकि ज़्यादा हमारे पास फ्लेक्सीबिलिटी हो पैंतीस तक रोड टैक्स ये आ गया जी सबसे अगला इंपॉर्टेंट स्टेप इस पे आपकी इंश्योरेंस डिपेंड हो रही होती है तो ये सबसे इस पूरी सर्च में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम बाहर हैं अगर और आपने इंश्योरेंस करानी है आपकी इंश्योरेंस के अंदर आपके कंट्रोल में फैक्टर्स क्या क्या नहीं है आपकी एज आपके कंट्रोल में नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस आपने न्यानिया पास किया ये भी आपके कंट्रोल में नहीं है आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके कंट्रोल में नहीं है आपका पोस्ट कोड आपके कंट्रोल में नहीं आपकी है आपकी डेजिग्नेशन जॉब है स्टूडेंट है क्या आपके कंट्रोल में नहीं है ये सारी चीज़ें फिक्स हैं और ये आप नहीं बदल सकते इन सब पे भी इंश्योरेंस डिपेंड करती है जितने आपको मैंने बताए हैं लेकिन एक फैक्टर गाड़ी का होता है इंश्योरेंस के अंदर तो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं तो जो फैक्टर आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको कंट्रोल करें ताकि जितनी मिनिमम हो सके इंश्योरेंस आपकी आए तो वो ये है गाड़ी का फैक्टर तो आपने यहां से सबसे पहले नंबर पर देखो अप टू थ्री जितना ये ग्रुप का नंबर कम होगा उतनी इंश्योरेंस कम होगी ये याद रखो सही हो गया ये आ गया सिंपल अब थ्री के अंदर सिर्फ आठ गाड़ियां आ रही है सबसे कम आपको इंश्योरेंस इस ग्रुप में मिलेगी सबसे कम तो फर्स्ट टाइम बायर हमेशा कोशिश करें थ्री तक रहें लेकिन अगर ज्यादा मसला आ रहा है गाड़ी मिल ही नहीं रही तो फिर आप पाँच पे आ जाएं तो मैं ऐसा करता हूं पहले हम थ्री से स्टार्ट लेते हैं ये क्लिक कर दिया ठीक हो गया और नीचे आके आगे इसके ऊपर आपकी मर्जी है आपको कैटेगरी वाली गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए कैटेगरी मतलब जो ठुकी हुई गाड़ी होती है लेकिन मैं फिलहाल इसको यस किया हुआ है वैसे मैं नॉर्मली एक्सक्लूड करता था मुझे कैटेगरी की गाड़ी नहीं चाहिए क्योंकि वो शो हो रही होती है इसके ऊपर तो इस पर आठ आ रही हैं अगर मैं कैटेगरी की एक्सक्लूड करूँगा तो पाँच आएंगी यानी तीन कैटेगरी की गाड़ियाँ इसमें शामिल हैं जब आएंगी वो मैं आपको दिखा भी दूँगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके इसलिए मैं इसको इंक्लूड करूँ भी रिटर्न ऑफ गाड़ियों को और ये सर्च के ऊपर मारा अब ये गाड़ियां निकल गई हैं ठीक है थीके? मैंने आपसे कहा था कि गाड़ी से मोहब्बत नहीं करनी अब आपके सामने वो क्राइटेरिया आ गया है जो आपने सारा सेलेक्ट किया था अब ये वो सारी गाड़ियां हैं जो लो इंश्योरेंस लो रोड टैक्स और जिसके अंदर चांसेस हैं अब देखो अब ये अस्सी हज़ार चली हुई है पूरे एग्जैक्ट क्राइटेरिया अस्सी पे गई हुई है दो हज़ार का मॉडल है हमने 2010 से सर्च लगाई थी लेकिन शुक्र है थोड़ा सा बेटर मॉडल आ रहा है 2012 में जा रहा है अस्सी हज़ार ये चली हुई गाड़ी है 1.0 इसका लीटर है आप आप नॉर्मली आप यही चाहेंगे वन और पेट्रोल भी और साथ साथ इसके दो ओनर्स थे ठीक है ये ओनर्स पे भी चीज़ें डिपेंड हो रही होती हैं सर्विस हिस्ट्री इसकी नहीं है इसलिए इसलिए इधर नहीं लगाई हुई सर्विस हिस्ट्री का मतलब ये होता है गाड़ी अच्छे तरीके से केयर की गई है बस ये है सिट्रॉइन सी सबसे चीपेस्ट इंश्योरेंस में आ रही होती है इसलिए नॉर्मली फर्स्ट टाइम ड्राइवर या तो सिट्रॉइन सी वन खरीदने होंगे ड्योटा आईओ खरीदने होंगे पर आई ए सात देखो वो सारी गाड़ियाँ आ गई जो मैंने आपको बतानी थी ठीक है ये भी आई एस सात ये भी मैंने आपको कहना था कि सारी फ़र्स्ट टाइम बायर की गाड़ियाँ लें टिटा आईगो सिट्राइन सीवन ये कोई गाड़ी है निशान पिक्सो तो इसको आपकी मर्जी पे ऐसे सिटराइन सीवन वोफ्फ वैगन ये आ गई गाड़ी ठीक है लेकिन इसकी प्राइस अभी ये तो वो ऐड है ठीक है इसको आपने इग्नोर कर दिया नहीं ऐड है इसको नहीं देख रहे हम वापस ऊपर जाते हैं हमारे क्राइटेरिया भी नहीं उतर रही अब ये देखो अब इसमें ये गाड़ी है कैटेगरी एस की स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ हुआ था इसने रिपेयर कर दिया हुआ है ठीक है अब ऐसी गाड़ी आपकी मर्जी आपने खरीदनी है तो खरीद लें नॉर्मली लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं वो डरते हैं पता नहीं इंजन को मसला ना हो लेकिन अगर ये प्राइवेट सेलर जो ऐसे आप जाके पूछें डिस्कस करें तो वो आपको बता देगा कि ये कैटेगरी एस में क्या काम हुआ हुआ अगर उसको नहीं पता क्या काम हुआ हुआ तो अब आप बेशक इससे अवॉइड कर लें इस गाड़ी से क्योंकि उसको पता ही नहीं है और दूसरे नंबर पे कल को आप इसको जब बेचने लगेंगे तो ये कैटेगरी एस इधर लिखा हुआ नजर आएगा दोबारा क्योंकि आपकी लॉक बुक के अंदर वो डाटा ऐड हो चुका हुआ है कैटेगरी एस का तो बेचते हुए भी आपको फिर प्रॉब्लम आएगी इसीलिए कैटेगरी एस वाली गाड़ियाँ एन वाली गाड़ियाँ नॉर्मली आम से सस्ती होती हैं इसलिए आपने इस पर नज़र रखनी है ताकि आपको पता हो आप ले क्या रहें ये देख रहे हैं ना कैटेगरी सी कैटेगरी एस आते हैं वापस तो ये आ गई हमारे पास टोयटा सबसे हाकि सॉरी सिट्राइन सी वन अब आप अगला स्टेप इसका ये लेना आपको है कि अगर आपके क्राइटेरिया पे पर गाड़ियाँ रही हैं और आप समझते हैं मैं ले सकता हूँ जैसे ये वाली गाड़ी है सतहत्तर हज़ार चली हुई है दो हज़ार यार है टोइटा आई है इसकी एक पता चल गई आपको बात इंश्योरेंस भी कम होगी और इसकी वो भी कम होगा रोड टैक्स भी कम होगा जहनी तौर पर आप रिलैक्स हैं अब ये गाड़ी अगर आप ख़रीदते हैं या ये गाड़ी इनमें से कोई ख़रीदते हैं तो आपको रोड टैक्स कम आने के चांसेस हैं लेकिन ये सिर्फ क्राइटीरिया आपने फिल्टर का जो क्राइटेरिया था आपका मेन फोकस था गाड़ी आपके बजट में हो और चलने वाली गाड़ी भी हो ठीक है सिर्फ इस क्राइटेरिया का मकसद ये है कोशिश करें अस्सी हज़ार से कम ही हो सत्तर तक ये माइलेज हो तो बेहतर है ये मैंने सिर्फ आपको एक्सपेंड करने के लिए आपकी सर्च अस्सी की है अदरवाइज़ मैं खुद अपने लिए प्रेफ़र करूँगा सत्तर से नीचे हो लेकिन अगर नहीं मिल रही तो अस्सी तक चले जाएँ कोई नहीं बाकी वहाँ जाके गाड़ी का क्लच प्लेटें क्लच आपको देखना पड़ेगा उसे पूछ भी लेना क्लच का क्या सीन है अगर कई लोगों ने लिखा होता है क्लच प्लेट रिसेंटली चेंजड अगर किसी ने क्लच प्लेट रिसेंटली चेंज की है तो ये एक अच्छी चीज़ है ठीक है क्योंकि अब आप इसको लॉन्ग टर्म चला सकते हैं सही हो गया इसी तरीके से इसको सारे को आपको देखे उससे कुछ जाकर क्वेश्चन पूछने और देखो इसने सर्विस भी फ्रेश सर्विस इस बंदे ने लिखा हुआ है लेकिन ये महंगी वाली गाड़ी है इसको आप छोड़ दें आपने उससे पूछना है सर्विस करवाई हुई है नो सर्विस हिस्ट्री देख रहे हैं इसकी नहीं है तो आपने पूछना सर्विस करवाई हुई है वो कहेगा करवाई है अगर रिसेंट सर्विस कराई है तो चलो आपका एक खर्चा बच गया अदरवाइज अस्सी पाउंड से लेकर सौ पाउंड सर्विस का खर्चा है टायर्स जो है वो अगर एम देखनी है आपने इसमें मस्ट कितने अर्सा रह गया अगर एम में सात आठ महीने रह गए ऐसे एटलीस्ट आपका टायर का खर्चा तो नहीं ना निकलेगा अदरवाइज एक टायर जो है वो तरीबन तो बीस से चालीस पाउंड सेकेंड हैंड टायर मेरा ख्याल बीस का होता है या तीस का होता है और फर्स्ट नया खरीदो तो चालीस पचास पाउंड का नया टायर मिलता है तो वो एक अलग से खर्चा है तो इसलिए एम आप क्योंकि आपको नहीं पता इन चीज़ों का तो आपने वो गाड़ी देखनी है जिसकी एम लॉन्ग हो ठीक है सात आठ महीने हो ताकि एटलीस्ट आप सात आठ महीने तो नई गाड़ी के साथ निकाल जाएँ तो बाकी गाड़ी का इंटीरियर देखना है इंजन स्टार्ट करके देख लेना वो है सेकेंडरी फैक्टर ये मैंने आपको प्राइमरी फैक्टर से बताया गाड़ी सेलेक्ट कैसे करनी है अब अगला स्टेप ये होगा उधर जाके क्या करना है वो एक अलग से वीडियो में बना दूंगा